बॉलीवुड के स्टार फिल्म मेकर संजय लीला भंसाली आज अपना 61वां बर्थडे मना रहे हैं। 7 बार नेशनल अवार्ड जीत चुके संजय लीला भंसाली किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। अपनी फिल्मों के जरिए उन्होंने न सिर्फ अपनी खुद अलग पहचान बनाई बल्कि कई सितारों को स्टारडम भी दिलाया। लेकिन यहाँ तक उनके पहुँचने का सफर काफी संघर्षों से गुजरा। उन्होंने अपनी निजी जिंदगी और परिवार में बहुत मुश्किलें झेली हैं। चौल के एक छोटे से कमरे में सिमटी जिंदगी को उन्होंने अपनी मेहनत के पंख दिए और मुंबई में आलिशान आशियाना बनाया। सलमान खान से लेकर रणवीर सिंह, ऐश्वर्या राय, आलिया भट्ट और शाहरुख खान, ऐसे ही दीपिका पादुकोण तक उनके साथ सब सितारे काम कर चुके हैं। संजय लीला भंसाली ने एक इंटरव्यू में अपनी गरीबी और दुख भरे दिनों की कहानी सुनाई। उन्होंने बताया था कि कैसे एक चौल के छोटे से कमरे में वो शराबी पिता के साथ रहते थे, पर माँ उनका बड़ा सहारा बनी। संजय लीला भंसाली का जन्म एक गुजराती जैन परिवार में हुआ था। संजय लीला भंसाली के परिवार की माली हालत काफी खराब थी। पिता शराब पीते थे और हमेशा नशे में रहते थे। ऐसे में माँ और उन्हें ही घर के लिए काम करना पड़ता था। वो और माँ दोनों नजदीकी दुकान पर जाते थे और वहाँ से साड़ियाँ इकट्ठा करके लाते थे। फिर माँ बेटे मिलकर उन साड़ियों पर फॉल लगाते थे। संजय लीला भंसाली के मुताबिक उन्हें दुकान से कभी 4 साड़ियाँ मिलती तो कभी 12 और कभी 24 साड़ियाँ। उन्हीं पर फॉल लगाकर जो पैसे मिलते उनसे घर का गुजारा होता था। संजय लीला भंसाली पिता की शराब की लत से परेशान थे। उनके पिता नवीन भंसाली भी फिल्म प्रोड्यूसर थे। उन्होंने 1957 में फिल्म जहाजी लुटेरा बनाई थी, लेकिन भंसाली के पिता फिल्म मेकिंग की दुनिया में सफल नहीं हो पाए और खुद को शराब में डुबो लिया, जिसकी वजह से परिवार की जिम्मेदारी नहीं उठा पाए और तब संजय लीला भंसाली और उनकी माँ को घर संभालना पड़ा। माँ गुजराती थिएटर करती थी और साथ ही कपड़े भी सिलती थी ताकि बच्चों की पढ़ाई और घर का खर्च निकल सके। माँ ने संजय लीला भंसाली को जैसे तैसे पढ़ाया। बता दें कि पढ़ाई पूरी करने के बाद फिल्म मेकर ने पुणे के FTII में एडमिशन ले लिया। उस वक्त विधु विनोद चोपड़ा परिंदा नाम की फिल्म बना रहे थे। उनकी नजर संजय लीला भंसाली पर पड़ी। वो कॉलेज में भंसाली की काबिलियत देख काफी प्रभावित हो गए और उन्हें अपना असिस्टेंट बना लिया। इस तरह संजय लीला भंसाली ने बतौर असिस्टेंट डायरेक्टर करियर शुरू कर दिया। वहीं साल 1996 में संजय लीला भंसाली ने खामोशी से बतौर डायरेक्टर शुरुआत की। इसमें मनीषा कोइराला और सलमान खान लीड रोल में थे। फिल्म सुपरहिट रही और भंसाली छा गए। इसके बाद उन्होंने फिर पीछे मुड़कर नहीं देखा और कई सुपरहिट फिल्में दे दी। इनमें बाजीराव मस्तानी, गंगूबाई काठियावाड़ी, रामलीला, देवदास जैसी फिल्में शामिल हैं। 7 बार नेशनल अवार्ड भी जीता है। अब संजय लीला भंसाली हीरा मंडी लेकर आ रहे हैं, जिसकी चर्चा काफी जोरों शोरों पर है।